बच्चों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको रिवीजन करा रही हूँ बड़े भाई साहब पाठ का, जिसका कुछ अंश मैं करा चुकी हूँ और कुछ शेष बचा है जिसको मैं कराने चल रही हूँ। तो मैं उस अंश को आगे से पढ़ती हूँ और आपको समझाती हूँ। तो मैंने आपको वहाँ तक की कहानी बता दी थी कि जब परीक्षा परिणाम आने के बाद लेखक और भाई साहब के बीच में केवल एक दर्जे का अंतर रह गया। अब लेखक के मन में एक कुटिल भावना घूमने लगती है कि अगर कहीं खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ कि अगले साल भी बड़े भाई फेल हो गए तो क्या होगा, मैं बराबर हो जाऊंगा। ये सोचकर उनके मन में ऐसी बुरी भावना आ जाती है, लेकिन वो जबरदस्ती इस मन से इस बात को निकाल देते हैं, बलपूर्वक निकाल देते हैं। और फिर वो सोचते हैं कि आखिर तो बड़ा भाई मेरे हित के लिए ही ये सारी चीजें करता है। लेकिन धीरे धीरे भाई साहब अब कुछ नरम पड़ गए थे। कई बार डांटने का अवसर पाकर भी वो लेखक को डांटते नहीं थे, धीरे से काम ले लेते थे। शायद अब वह खुद समझने लगे थे कि लेखक को डांटने का अधिकार अब उनका उतना नहीं रहा, क्योंकि वो खुद पास नहीं हो पा रहे थे और लेखक की स्वच्छंदता धीरे धीरे बढ़ने लगी। उनकी सहनशीलता का फायदा उठा करके लेखक मनमानी करने लगा। उसमें कुछ ऐसी धारणा बन गई कि मैं कुछ भी करूं मैं तो पास होता जाऊंगा। ये सोचकर उसने अपने मन में सोच लिया था कि मैं कुछ भी करूंगा बड़ा भाई नहीं बोलेगा, और थोड़ा बहुत पढ़ लिया करता था, बाकी समय उसे कनकौवे उड़ाने का यानी पतंग उड़ाने का चस्का, एक नया शौक लग गया था। सारा दिन वो पतंगबाजी में अपना व्यतीत कर देता था। एक दिन संध्या के समय हॉस्टल से दूर एक कनकौवा लौटने बेतहाशा दौड़ा चला जा रहा था कि आसमान की ओर आंखें थी और रास्ते की ओर भागा चला जा रहा था। मानो कोई ऐसा लग रहा था कि बस एक नया जीवन मिलने वाला हो। बालकों की पूरी एक सेना झाड़ू लग्घे बांस के लिए उसके पीछे दौड़ रही थी। तो बच्चों में कुछ उत्साह ऐसा होता ही है कि वे पतंग उड़ाने के पीछे परेशान रहते हैं, और पतंग आकाश में उड़ती देखकर जैसे लगता था कि सारी जमीन की चलने वाली चीजों को भूलकर उसके पीछे भाग रहे हैं। सहसा उधर से आते हुए भाई साहब से लेखक की मुठभेड़ हो जाती है। वो शायद बाजार से लौट रहे थे। उन्होंने वही हाथ पकड़ लिया, उग्र भाव से बोले कि इन बाजारी लौंडों के साथ धेले के कनकौवे के लिए दौड़ते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हें इसका भी जरा लिहाज नहीं कि अब नीची जमात में तुम नहीं हो बल्कि आठवीं जमात में आ गए हो, मुझसे केवल एक दर्जा नीचे हो। आखिर आदमी को कुछ तो अपनी पोजीशन का ख्याल होना चाहिए। इस तरह से भाई साहब ने लेखक को अच्छे से डांट लगाई। एक जमाना था जहां लोग आठवां दर्जा पास करके नायब तहसीलदार भी हो जाते थे, और लेखक ने ये सारी बात बताई कि ऐसे बहुत सारे कितने मैंने मिडिलचियों को देखा है जो आज अव्वल दर्जे के डिप्टी मजिस्ट्रेट सुपरिटेंडेंट हैं, कितने ही आठवीं जमात वाले हमारे लीडर समाचार पत्रों के संपादक हैं, बड़े बड़े विद्वान उनकी मातहती में काम में कर रहे हैं, और तुम उसी कक्षा में आ करके मनमानी कर रहे हो, बाजारी लड़कों के साथ कनकौवे के लिए दौड़ रहे हो। मुझे तुम्हारी इस कमकली पर बहुत कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है। तुम जहीन हो, अच्छे दिमाग के हो, दिमाग तुम्हारा अच्छा है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जरा जहन किस काम का जो आत्मगौरव की हत्या कर डाले, यानी खुद के सम्मान की हत्या कर डाले, तो ऐसा जहन किस काम का। ये सारी चीजें बड़ा भाई छोटे भाई को उस समय समझाता है जब
वो कनकौवे के लिए भागता हुआ पकड़ा जाता है। फिर मैं भाई साहब से महज एक दर्जा नीचे हूँ और अब उन्हें मुझको कुछ कहने का हक नहीं, लेकिन यह तुम्हारी गलती है। उन्होंने समझाया कि अगर तुम ये सोचते हो कि तुम सिर्फ मुझसे एक दर्जा नीचे हो तो मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन तुम्हें यह भूलना नहीं चाहिए कि मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ। चाहे आज तुम मेरी जमात में ही क्यों ना आ जाओ, परीक्षकों का यही हाल रहा तो निसंदेह तुम मेरे समकक्ष भी हो सकते हो, बराबरी में भी आ सकते हो, या हो सकता है 1 साल बाद तुम आगे भी निकल जाओ। लेकिन मुझ में और तुम में जो 5 साल का अंतर है, उसे कोई परीक्षक, कोई ईश्वर, संसार का कोई आदमी भी जो है उसे कम नहीं कर सकता। मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूं तो हूं और हमेशा रहूंगा। मुझे दुनिया की और जिंदगी का तजुर्बा जो है वो तुम्हें बराबरी में आकर भी नहीं प्राप्त हो सकता। ये सारी चीजें बड़ा भाई समझाता है कि चाहे तुम एमए कर लो, डेफिल कर लो, डीलिट कर लो, क्यों ना कर लो, समझ किताबें पढ़ने से नहीं आती, दुनिया देखने से आती है। उन्होंने बताया कि किताबें चाहे जितनी पढ़ लो, लेकिन सारी अक्ल तो समझदारी तो आती है दुनियादारी से। और अम्मा का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि हमारी अम्मा तो कोई दर्जा पास नहीं है, दादा भी शायद 5वीं 6वीं जमात से आगे नहीं पढ़े होंगे, लेकिन हम दोनों चाहे सारी दुनिया की विद्या पढ़ लें, लेकिन अम्मा दादा की बराबरी नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल सच है कि शिक्षा से माँ बाप की बराबरी नहीं की जा सकती। उनके पास जो अनुभव है वो कभी भी बच्चों के लिए नहीं हो सकता। तो उन्होंने, बड़े भाई ने लेखक को यही सारी चीज़ें समझाई कि दादा को हमें समझाने और सुधारने का अधिकार हमेशा रहेगा, चाहे वो कितने भी कम पढ़े हों, लेकिन वो हमारे पिता हैं, उनके पास जो अनुभव है वो हमारे पास नहीं है, तो उनको समझाने का अधिकार हमेशा रहेगा। केवल इसलिए नहीं कि वे हमारे जन्मदाता हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें हमें हमसे ज़्यादा दुनिया का तजुर्बा है और हमेशा रहेगा भी। अमेरिका में किस तरह की राज व्यवस्था है, 8वें हेनरी ने कितने ब्याह किए, आकाश में कितने नक्षत्र हैं, यह बातें चाहे उन्हें ना मालूम हो, लेकिन हजारों ऐसी बातें जिनका ज्ञान हमें हमसे तुमसे उन्हें ज्यादा है। यानी किताबी ज्ञान उन्हें भले ही कम हो, लेकिन देश दुनिया का अनुभव जो उनके पास है वो किसी किताब से नहीं मिल सकता। यही बात बड़ा भाई छोटे भाई को समझाना चाहता है कि कुछ भी हो, मैं तुमसे उम्र में 5 साल बड़ा हूँ तो मैं तुमसे ज़्यादा अनुभवी हूँ। भले तुम मुझसे कक्षा में आगे निकल जाओ, बराबर आ जाओ, लेकिन तुम ये मत मानना कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। अब बड़े भाई ने लेखक को और भी समझाया कि दया न करे आज मैं बीमार हो जाऊं। उन्होंने उदाहरण दिया कि मान लो कभी ऐसा हो कि मैं बीमार हो जाऊं, तब तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, तुम्हारी तो समझ में नहीं आएगा कि उस समय तुम्हें क्या करना चाहिए। दादा को तार देने लगोगे, अम्मा के लिए रोने लगोगे, लेकिन अगर तुम्हारी जगह दादा होंगे वो तत्काल किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, हकीम को बुलाएंगे, या खुद घरेलू दवाओं का उपयोग करके अच्छी तरह मुझे संभालने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने ये समझाया, बीमारी तो खैर बड़ी चीज है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीने भर कैसे चले। उन्होंने बताया कि बीमारी की बात छोड़ दो, लेकिन अगर हमें महीने भर का पैसा दिया जाता है कि महीने भर का तुम्हारा खर्च है, इसे तुम निभाओ, महीने भर चलाओ, तो महीने के 5 दिन बाकी ही रहते हैं, तब तक पैसा खत्म हो जाता है। लेकिन वही काम अगर घर के बड़े बुजुर्ग को दिया जाएगा तो उसी पैसे में से महीने का खर्च भी चलाएंगे, कुछ पैसा आपात स्थिति के लिए बचा के भी रखेंगे,
तो ये तजुर्बा होता है, इसी को तजुर्बा लेखक ने समझाया है। और फिर 10 दिन पहले ही पैसे के लिए हम लोग मोहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, चाय बंद हो जाता है, नाई से मुँह चुराने लगते हैं, जितना खर्च करना चाहिए उससे ज़्यादा खर्च हो जाता है। उसके आधे में दादा अपनी उम्र का बड़ा भाग इज्जत और नेकनामी से साथ निभाया हुआ कुटुंब का पालन किया है, उन्होंने सब मिलाकर, वो 9 आदमी थे, अपने हेडमास्टर का उन्होंने उदाहरण दिया कि हेडमास्टर साहब को ही देखो, एमए हैं, नहीं और यहाँ नहीं तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के हैं, 1000 रुपये पाते हैं उस जमाने के, लेकिन घर का इंतजाम उनकी बूढ़ी माँ देखती हैं जो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है। तो इन्होंने कहा कि डिग्री लेने से ही सारे अनुभव नहीं आ जाते, डिग्री का कोई बहुत महत्व तो नहीं है कि सारे अनुभव सिर्फ डिग्री से ही आएंगे। और बूढ़ी माँ जो हैं बिना पढ़े लिखे भी पूरे घर का खर्च चला लेती हैं, और माता जी के प्रबंध हाथ में आते ही जैसे लक्ष्मी घर में बरकत करने लगी। भाईजान यह जरूर दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और अब स्वतंत्र हो। बड़े भाई ने व्यंग किया कि तुम भूल जाओ कि तुम मेरे बराबरी आ रहे हो तो तुम स्वतंत्र हो, जो करोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, मैं तुम्हें हर तरह से समझा न सकूं, बता न सकूं, ये अपने मन की भावना जो है तुम निकाल देना। और किसी भी तरह से दिमाग में मत रखना कि मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब उन्होंने कहा कि खर्च पूरा नहीं पड़ता है, कर्जदार रहते थे, उनकी माताजी ने प्रबंध अपने हाथों में लिया, हेडमास्टर साहब का खर्च कभी पूरा नहीं होता था, कर्जदार रहते थे, और अंत में उनकी माताजी ने सारी जिम्मेदारी खुद के ऊपर ली और धीरे धीरे घर की बरकत होने लगी। तो बड़े भाई ने कहा कि तुम ये भूल मत जाना कि मैं तुम्हें इसी तरह से आसानी से जो कहोगे करने दूंगा, कुछ भी हो मैं तुमसे उम्र में बड़ा हूँ। ये बात अलग है कि तुम हर साल अव्वल आते हुए निकलते जा रहे हो, लेकिन उम्र के फर्क को तुम अलग नहीं कर सकते। कहने का मतलब कि उम्र का जो अंतर है वो अनुभव का अंतर होता है, अनुभव का अंतर होता है, और उसके लिए मनुष्य को ये सोच के चलना चाहिए कि बड़े हमेशा जब भी कहते हैं तो किसी अच्छे और भले के लिए कहते हैं। बड़े भाई साहब कहानी में उसी संस्कार को दिखाया गया है, छोटे भाई के माध्यम से, तमाम उदाहरणों के माध्यम से ये बताया गया है कि कैसे जो भी घर के बड़े हैं वो किस तरह से घर का सारी व्यवस्था देखते हैं। हेडमास्टर साहब एमए ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे, लेकिन घर संभालने की जिम्मेदारी बूढ़ी माँ के ऊपर थी। तो ये छोटे छोटे उदाहरण के साथ उन्होंने कहा कि तुम बेराह चलो तो मैं तुम्हें देख नहीं सकूंगा, कुछ भी करो बेराह तो नहीं चलने दूंगा, तुम भले मुझे बुरा समझो, अच्छा समझो, या किसी भी तरीके से जो भी समझो, लेकिन बेटा ये गुरूर अपने दिल से निकाल लो कि तुम जैसा भी चलना चाहोगे मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और मेरे रहते तुम बेराह नहीं चल पाओगे। अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे, तब उन्होंने असली बड़े होने का हक दिखाते हुए कहा कि अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी लगा सकता हूँ, थप्पड़ भी लगा सकता हूँ, अगर मैं बड़ा हूं तो मुझे यह अधिकार है कि मैं तुम्हें मारूं। छोटे भाई को यह लग रहा था कि बड़े भाई को तो पास होना नहीं है तो मुझे कहना भी उन्हें छोड़ देना चाहिए, मगर उन्होंने पूरे हक, पूरी जिम्मेदारी
के तौर पर उन्होंने ये कहा कि अगर तुम ऐसे नहीं मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखा के कहा कि इसका भी प्रयोग करूंगा। मैं जानता हूं तुम मेरी बातें तुम्हें जहर की तरह लगती हूँ, बात सच है। जब कभी आप किसी अपने घर के बच्चों को, अपने छोटे भाई बहन को, अपने बेटा बेटी को अगर आप खड़ा करके पढ़ाई के लिए नसीहतें देना शुरू करेंगे, समझाना शुरू करेंगे, तो हमेशा बच्चे को बहुत बुरा लगता है। उसे ये लगता है मैंने इतनी बड़ी गलती नहीं की है कि मुझे समझाया जाए, मैं बड़ा हूँ, मुझे समझदारी है। लेकिन बच्चे को अपनी गलती का एहसास तब होता है जब परीक्षा परिणाम हाथ में आता है या किसी अन्य प्रकार की ऐसी कोई गलती हो जिसके समाज के लिए उसे शर्मिंदा होना पड़ता हो। अब ऐसी स्थिति में भला बड़े होने का हक अगर बड़ा भाई, बड़ी बहन, माँ, पिताजी, दादा दादी नहीं निभाएंगे तो कौन निभाएगा? यानी एक बच्चे को सही राह पे लाने के लिए हमें मारना भी पड़ सकता है, उसे समझाना भी पड़ सकता है, उसे तौर तरीके में भी ढालना पड़ सकता है, उसके साथ विभिन्न प्रकार की कड़ाई भी करनी चाहिए और करना चाहिए। बड़ा भाई यही कहता है कि देखो मैं बहुत दिनों से तुम्हें समझा रहा हूँ, लेकिन अगर किसी कारण से तुम नहीं माने तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी मार सकता हूँ। और साथ ही ये भी कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें मेरी बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, चेहर की तरह लग रही होंगी, मगर मैं तुम्हें इस तरह से बेराह चलने नहीं दे सकता। अपनी आंखों के आगे मैं तुम्हें खुद को गड्ढे में गिराते नहीं देख सकता हूं। उसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़ेगा मैं उसे करूंगा। अब छोटा भाई जब बड़े भाई की इतनी बातें सुनता है तो उसे आश्चर्य होता है कि छोटा भाई बड़े भाई के लिए क्या क्या सोच रहा है, कितने बुरे बुरे ख्याल उसके मन में आ रहे थे कि बड़ा भाई अगर फेल हो गया तो बराबर में आ जाएगा, खुद तो पास हो नहीं सकते और डांट लगाते हैं, उन्हें डांटने का अधिकार नहीं है, बहुत सारी बातें उनके मन में आती हैं। लेकिन जब अंततः वो तमाम उदाहरणों के माध्यम से भाई साहब को समझाते देखता है तो उसे लगता है कि भाई साहब के अंदर जो बुद्धिमत्ता है वो शायद छोटे भाई के अंदर नहीं थी। वो नतमस्तक हो जाता उनकी इस युक्ति पर, उनके इस उपाय पर, और तब उसे समझ में आता है कि हाँ छोटा हमेशा छोटा ही रहेगा चाहे वो कितना भी पढ़ ले, बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल कर ले, बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाए, लेकिन कभी ये सोचेगा कि मेरे माता पिता, बड़ा भाई बहन कम पढ़े लिखे हैं, इनके पास बुद्धि नहीं है, तो समझ लीजिए कि ये वो अपने लिए खुद के लिए गड्ढा खोद रहा है। इसलिए हमारा संस्कार हमें यही सिखाता है कि बड़े भाई जो होते हैं, बड़े भाई जो होते हैं, गुरु होते हैं, आपके दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, माता पिता हैं, ये सारे लोग अगर हमें कुछ सिखा रहे हैं तो वो उनका अनुभव बोल रहा है। लोग कहते हैं ना कि मैंने धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं, उसके कहने के पीछे यही चीज है कि मैंने जो कुछ आज तक दुनिया में सीखा है वो सिर्फ किताबी ज्ञान से नहीं आ सकता, तमाम ऐसी चीजें हैं जिनको समझने के लिए, जिनको जानने के लिए वास्तव में मनुष्य को ये जानना चाहिए कि किस तरह अपने कार्य को करे कि वो सफल हो। तो बड़े होने का हक दिखाना एक तरीके से कर्तव्य बोध है, एक संस्कार है, हमारे समाज की एक रीत रिवाज भी है। हमारे समाज में ये सिखाया जाता है कि हमारे और बड़े के बीच क्या अंतर है और उस अंतर का सम्मान सिखाया जाता है माता पिता द्वारा जन्मजात बड़े होने तक।
हमेशा घरों में ये सिखाया जाता है, ये तुम्हारा बड़ा है, इसने ये कहा है, तुम्हें इसका अपमान नहीं करना चाहिए। ऐसी तमाम बातें होती हैं जिन बातों को देखकर ये लगता है कि बड़े और छोटे का अंतर हमारे भारतीय समाज में बहुत महत्व रखता है। और प्रेमचंद तो हमारे समाज के एक सच्चे दृष्टा थे, यथार्थ रूप को वो देखते थे, ग्रामीण जीवन का यथार्थ रूप, सामाजिक जीवन का यथार्थ रूप जो आज जीवन में हम अनुभव करते हैं, जिन चीजों का सामना करते हैं, वो सारी चीजें उन्होंने कहानी के माध्यम से, उपन्यास के माध्यम से हमारे ही बीच की चीजों को उठाकर हमारी आंखें खोलने का प्रयत्न किया है कि किस तरह जीवन में हम संस्कारों को लेकर चलते हैं। और कहानी के अंत आते आते लेखक ने बड़े भाई की इस युक्ति को के आगे खुद को नतमस्तक कर दिया, यानी युक्ति मतलब उपाय, नतमस्तक मतलब झुक जाना। बड़े भाई की जो ये उपाय बड़े भाई ने किया था, उसके आगे हुए बिल्कुल नतमस्तक हो जाते हैं और उन्हें अपनी लघुता का एहसास होने लगता है। लघुता का मतलब छोटेपन का, छोटेपन का यानी छोटे होने के कारण जितनी बुद्धि उनके अंदर थी वो उनके छोटेपन का एहसास करा देती थी। और अंततः लेखक को यही लगता है कि बड़े और छोटे का जो अंतर है, उस नाते बड़े भाई ने जब कभी मुझे जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही तौर तरीका था। और अंततः वो स्वीकार करते हैं कि अगर वो ऐसा न करते तो संभवतः वे कक्षा में अव्वल नहीं आ सकते थे। तो हम भी यही करते हैं, अगर हम किसी भी तरीके से बच्चे को कभी डांटते हैं, मारते हैं, समझाते हैं, तो उस समझाने की स्थिति में हमारे पास मात्र यही एक उपाय होता है कि हम बच्चे के अंदर ये डालना चाहते हैं कि तुम छोटे हो, हम तुम्हें जो बता रहे हैं वो तुम्हारे भले के लिए है। कहानीकार ने भी बड़े भाई की इसी युक्ति को विभिन्न तौर तरीकों से, विभिन्न रूप से, हर उदाहरणों के माध्यम से बस यही दिखाने की कोशिश की है कि किस तरह बड़ा भाई एक पिता का की भूमिका में, एक बड़े की भूमिका में, वो अपने खुद सफल न होते हुए भी इस बात की ग्लान उसे बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो छोटे भाई को बेराह नहीं चलने देने के लिए तमाम उपाय करता है। ये चीजें इसमें बताई गई हैं। मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हो गई। अंततः पाठ के अंत में आते आते लेखक को बड़े भाई के प्रति एक श्रद्धा, एक विश्वास, एक आदर मन में आता है कि संभवतः आज वो जो कुछ भी है वो बड़े भाई की वजह से ही है। वो बहुत छोटा था जब उसे लेकर बड़ा भाई हॉस्टल में रहकर उसे पढ़ाने लाता है। अगर उसके साथ इतनी कड़ाई ना करता, उसे पढ़ाई और शिक्षक के प्रति, नजरिए के प्रति डराता ना, उसे शिक्षा का सही स्वरूप ना दिखाता, तो संभवतः वो बचपन में ही अपने सही रास्ते से भटक गया होता। डर से रोकर गाकर चोरी छुपे खेलने के बावजूद पढ़ाई डर के मारे करने के कारण ही वो थोड़ी सी पढ़ाई में भी अपने दिमाग को तेज कर लेता था और उसका उसे फायदा मिलता था। तो यही सब सोच करके अंततः जो लेखक रहता है उसके मन में बहुत श्रद्धा उत्पन्न हो जाती है। और लेखक ने कहा, मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं।
लेखक की आंखों में आंसू भर जाते हैं कि जिस भाई के लिए वो इतने बुरे विचार उनके मन में आ रहे थे कि अगर वो दोबारा फेल हो जाता, मैं बराबर हो जाऊंगा, अब उन्हें डांटने का अधिकार नहीं है। सारी चीजें सोचते सोचते उसकी आंखें भर आती हैं कि आज बड़ा भाई न होता तो संभवतः वो जहां खड़ा था वो खड़ा ही नहीं हो सकता था। उसके मन में बड़े भाई के प्रति आदर और श्रद्धा दोनों उत्पन्न हो गई और उसके मन में लगा कि वो गलत सोचता था। आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है, आपको उसके कहने का अधिकार है। लेखक को अंततः इस बात को स्वीकार कर ही लेना पड़ा कि बड़ा भाई जो कहता है सच कहता है, उसे उसका अधिकार है। उसने अपने अधिकार के चलते मुझे डांटा डपटा, यहां तक कि मुझे थप्पड़ मारने तक की बात कही, वो बिल्कुल सही थी। आज वो ऐसा न कहता तो संभवतः वो अपने पथ से भटक जाता। जब छोटे भाई ने इस बात को स्वीकार कर लिया कि सच है कि आपको सब कुछ मुझे कहने का अधिकार है, तो बड़े भाई को भी छोटे भाई के प्रति अपार प्रेम उमड़ जाता है। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया, भाई थे दोनों, बड़े और छोटे का ही अंतर था, सगे भाई थे। बड़ा भाई तो जिम्मेदार बनके पिता की भी भूमिका निभा रहा था, भले वो अब उसके पीछे खुद पढ़ नहीं पाता था, लेकिन कभी उसने ये नहीं होने दिया कि छोटे भाई को उसका नुकसान हो। लेकिन जिस दिन छोटे भाई को ये बातें समझ में आ गई, उस दिन ही उसने ये जान लिया कि मेरी जीत के पीछे, मेरी सफलता के पीछे अगर कोई है तो वो बड़ा भाई ही है। इस चीज का अनुभव लेखक को होता है। और जब छोटे भाई ने इस चीज को स्वीकार किया तो बड़े भाई को भी छोटे भाई के प्रति प्रेम उमड़ आया और उसने उसे खींचकर गले से लगा लिया और कहने लगे, देखिए कितनी प्रेम भरी बात उन्होंने कही, बोले, मैं कनकवे उड़ाने को मना नहीं करता, सारा प्रेम तो इसी एक पंक्ति में उड़ेल दिया उन्होंने कि मैं कनकवे उड़ाने को मना नहीं करता, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं। ये होता है बड़े का अंतर, इसे कहते हैं बड़े होने का एहसास। अपने छोटे को सही रास्ते पे लाने के लिए खुद को कुर्बान करना, खुद की खुशियों का कुर्बान करना, खुद की खुशियों का गला घोटना, ये अनुभव कराया है लेखक ने यहाँ पर बड़े भाई की भावना से कि बड़ा भाई, उसके अंदर भी बचपना था, बहुत ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन उसने अंततः छोटे भाई को गले से लगा के कहा कि क्या करूं, अगर मैं बेराह चलूं तो तुम्हें कैसे रोकूंगा। तो उसने कहा कि फिर मैं तुम्हें कैसे रोकूंगा, मेरा भी जी ललचाता है, लेकिन करूं क्या, खुद बेराह चलूं तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूं, यह कर्तव्य तो भी मेरे सिर है। कहने का मतलब कि इसी कर्तव्य बोध से तो मैं बंधा हुआ हूं, जो मुझे तुम्हें बेराह नहीं चलने देता, जो मुझे तुम्हारे प्रति शक्ति करने को मजबूर करता है। तो ये सारी चीजें लेखक ने अपनी बात में रखा कि बड़ा भाई ये सारी चीज सोचता था। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा। अभी दोनों भाई बात कर ही रहे थे कि एक कनकौवा जो रहता है उधर से उड़ता हुआ चला आता है, ऊपर से कट करके कहीं से उड़ता हुआ चला आता है और उसके चलते बड़े भाई का भी जी जो रहता है वो ललचा उठता कनकौवे को देखकर।
कनकौवा ऊपर से गुजरा, डोर लटक रही थी। लड़कों का एक गोल उसके पीछे पीछे दौड़ा चला आ रहा है। बड़े भाई साहब बहुत लंबे से थे, उन्होंने उछल कर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की ओर तरफ भागे। मैं भी पीछे पीछे दौड़ रहा था, मैं यानी लेखक। बड़ा भाई जब पतंग हाथ में लेकर उसकी डोर को पकड़कर हॉस्टल की ओर भागे जा रहे थे, तो बड़ा भाई को इस तरह भागते देखकर छोटा भाई अनायास बहुत खुश हो जाता है। उसके अंदर का बचपना और बड़े भाई के अंदर का जो बच्चा था वो अचानक लेखक को दिखाई पड़ने लगता है और लेखक इस चीज को सोचकर उसके पीछे पीछे भागता है। अपने भाई के प्रति उसका प्रेम उमड़ आता है, अपने भाई के प्रति उसके हृदय में एक सच्ची भावना उमड़ जाती है। उसे लगता है कि वास्तव में बड़े भाई ने जो कुछ भी किया उसके लिए वो एक अच्छा कार्य किया। तो इस तरह से इस कहानी में जिंदगी के तजुर्बे का इतना सुंदर वर्णन किया है और साथ साथ ये भी दिखाया है कि तजुर्बा लेने के लिए किसी डिग्री की जरूरत नहीं पड़ती। गलत राह चलने पर कोई संभालने वाला नहीं मिलेगा। तमाम उदाहरण उन्होंने दिए हैं और बड़े भाई को जब छोटा भाई ये लगता है कि छोटा भाई बड़े भाई की बातों को अच्छी तरह से समझ लेता है तो उसे लगने लगता है कि आज वो जो कुछ भी है जैसे भी पढ़ रहा है उसके पीछे बड़े भाई का हाथ है। सच्चाई से वो मुख नहीं मोड़ सकता और अचानक जब कनकौवे लेके भागता हुआ वो देखता है बड़े भाई को तो उसे समझ में आ जाता है कि इसके इनके अंदर भी एक बच्चा है। लेकिन वो खुद की जिम्मेदारी यानी लेखक की जिम्मेदारी को निभाने के लिए अपने भीतर के उस बच्चे को मार चुके हैं। एक जिम्मेदारी, एक संस्कार, एक संस्कृति का एहसास कराने के लिए वे खुद को मजबूत कर रहे हैं और अपने हृदय को मार रहे हैं। तो ये कहानी एक सच्चे जीवन का समाज का दर्पण है जिसमें ऐसा लगता है कि हाँ वास्तव में बिल्कुल ऐसा ही होता है। प्रेमचंद की कहानियों की ये बहुत बड़ी खूबी है कि ये कहानी लगती नहीं, ये लगता है ये जीवन है। आज हमारे और आपके घरों में जीवन में जो घटनाएं हमें देखने को मिलती हैं उन्हीं घटनाओं का ये साक्षात स्वरूप होता है जिसे हम अनुभव करते हैं, जिसे हम महसूस करते हैं, ये बात कही गई है। तो इस कहानी में जीवन का एक सच्चा दर्पण दिखाया गया है कि किस तरह से मनुष्य अपनी बात को सही समझने लगता है, उसके द्वारा किए गए बड़ों के प्रति जो व्यवहार है उसको वो कैसे अंत में आकर स्वीकार करता है कि बड़े हमारे लिए हमेशा ही अच्छा करते हैं, इस चीज की अनुभूति हो जाती है। तो पाठ के जितने प्रश्न हैं वो आपको पहले ही कराए जा चुके हैं, कुछ प्रश्नों को मैं पुनः चर्चा कर देती हूँ। जैसे पाठ से रिलेटेड छोटे छोटे जो प्रश्न हैं कि बड़े भाई साहब का स्वभाव कैसा था, तो जो स्वभाव था वो सबसे बड़ा स्वभाव का गुण था कि वो बहुत अध्ययनशील थे, संस्कारवान थे, हर समय जिम्मेदारियों को महसूस करते थे। तो आप इसमें से कोई भी लिख सकते हैं और प्रश्न जो बन सकते हैं मैं उसकी भी चर्चा करती हूँ। लेखक बड़े भाई के सामने मौन क्यों रह जाता था?
अब लेखक बड़े भाई साहब के सामने मौन इसलिए रह जाता था क्योंकि वो उम्र में 5 साल उससे बड़े थे और घर और गांव घर में जो सिखाए गए संस्कार थे उन संस्कारों से वो बंधे हुए थे। उन्हें पता था कि बड़ा भाई जो कुछ कहता है खुद को पिता की भूमिका में रख कर कहता है, अपनी जिम्मेदारी का एहसास करके कहता है और छोटे भाई के मन में बड़े भाई के का एक जो डर था वो ऐसा बैठ गया था कि जिसे देखकर उसे ये लगता था कि बोलना बिल्कुल उचित नहीं है और मौन रह जाने में ही भलाई है। ये छोटी छोटी बातें उसे समझ में आती है। खेलकर वापस आने पर छोटे भाई की क्या प्रतिक्रिया होती है, तो जब कभी वो खेल कर आता था तो छोटे भाई को ये लगता था कि उसके सिर पर एक नंगी तलवार लटकती रहती है और दबे पांव कमरे में घुसता था, डरता था। उसी समय भाई साहब का रौद्र रूप उसे देखने को मिल जाता था और चिल्लाकर बोलते थे कहाँ थे, डर जाता था वो। अब लेखक भाई साहब की नजर बचाकर कनकौवे उड़ाने के लिए बेतहाशा बेचैन रहता था। वो देखता था कि किसी भी तरह भाई साहब अपने मन को दबाए रहते हैं लेकिन हृदय की भावनाओं का वर्णन वो ऐसे करते थे जैसे लगता था कि उनका अनुभव बोल रहा है। अब एक अच्छी आदर्श स्थिति बनाए रखने के लिए बड़े भाई साहब का बचपना कैसे तिरोहित हो जाता था। एक अच्छी आदर्श स्थिति बनाए रखने के लिए बड़ा भाई अपने मन को मारकर छोटे भाई के सामने तमाम ऐसे उदाहरण पेश करता था कि वो बेराह न चले। उसे अम्मा दादा का उदाहरण देता था, उसे हेडमास्टर साहब का उदाहरण देता था, साथ ही उसे समझाता था, पढ़ाई के प्रति डर डालता था, शिक्षा की भयावह स्थिति को समझाता था। तो सारी चीजें समझाते हुए वो ये कहना चाहता था कि वास्तव में वो जो कुछ भी कर रहा है उसके भले के लिए कर रहा है। ये सारी चीजें वो समझाना चाहता था। अब यहां पर एक व्यंग है कि वह स्वभाव से अध्ययनशील थे। स्वभाव से अध्ययनशील का मतलब है कि लेखक ने एक तरीके से व्यंग किया है कि वो रात दिन रटंत प्रणाली पर रहते थे। लेखक दिमाग और मन और मस्तिष्क से जहीन था और वो स्वभाव से अध्ययनशील थे और रात दिन किताबें लेकर बैठे रहते थे। पढ़ाई से जी उगता जाता तो कभी कभी हाशिए पर कुत्ते बिल्ली के चित्र बनाने लगते, एक दो पंक्तियों को वो बार बार लिखने लगते, ऐसी तमाम बातें उनके मन में घूमने लगती। अपनी थकान, दिमाग के थकान को मिटाने के लिए वो इस तरह की चीजों को भी करने लगते थे। तो अध्ययनशील तो थे लेकिन जहीन न होने के कारण वो रात दिन पढ़ते हुए भी पास होने की उनकी जो कठिनाई थी वो पड़ती जा रही थी, जिसका एहसास लेखक ने जगह जगह कराया है, महसूस कराया है। तो इतनी सारी चीजें इसमें मैंने आपको बताई
सारांश रूप में, व्याख्या रूप में, प्रश्नोत्तर के रूप में। मुझे उम्मीद है कि पाठ के भीतर के सारी सारी की सारी विशेषताएं आपको समझ में आ गई होंगी। आपको ये लगने लगा होगा कि हाँ, पाठ में लेखक ने एक बड़े भाई की क्या भूमिका होती है, उसको कितने सुंदर ढंग से व्यक्त करते हुए महसूस कराया है। तो इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि आपको ये पाठ पूरी तरह समझ में आ गया होगा। इस पर मैंने कई वीडियो अपलोड किए हैं, आप पूरे पाठों को देखने के लिए सारी वीडियो को देखिए, तब आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। और प्रश्नोत्तरों, इसमें पाठों पर बनने वाले प्रश्नोत्तरों पर ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि सिर्फ पाठ के पीछे के प्रश्न आते हैं ऐसा नहीं है, पाठ के बीच से भी प्रश्न बनाए जा सकते हैं। तो अच्छी तरह से आपको पाठ समझ में आना चाहिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।